एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को आपराधिक मामले में जेल से छुड़वाने के नाम पर परिवार से 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। डरा धमकाकर आरोपियों ने 30 लाख रुपए भी वसूल कर लिए। यह प्रकरण आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचा और तहसील थाने में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों में चंद्रलोक बिल्डिंग निवासी मनोज बंजानी, अशोक बंजानी और सौरभ केसवानी का समावेश है। ओल्ड भंडारा रोड निवासी अनिल महेश चंद्र नागरिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। ओल्ड भंडारा रोड निवासी अनिल महेशचंद्र नागरिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वंजानी बंधु शराब तस्करी में सक्रिय वासन वाइन शॉप के संचालक है। दोनों पर शराब तस्करी के मामले भी दर्ज है। अनिल के भाई अनुप नागरिया मोरानीपुर ट्रांसपोर्ट के संचालक है। उनके खिलाफ लकड़गंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। 27 जनवरी को अनूप को गिरफ्तार किया गया। 1 फरवरी तक वह पुलिस हिरासत में थे। इस बीच 3 जनवरी को वंजानी बंधुओं ने अनूप के भाई अनिल को फोन किया। उन्हें बताया कि तुम्हारा भाई जेल से छूट नहीं सकता, उनकी जेल और न्यायालयों में अच्छी पहचान है, उनकी मदद के बगैर अनूप जेल से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए आरोपियों ने 60 लाख रुपयों की मांग की। आरोपी सौरभ केसवानी से भी बात करवाई। सौरभ ने भी अनिल को धमकाया। अनूप को छुड़वाने के नाम पर आरोपियों ने अनिल से 30 लाख रुपए वसूल कर बाद में अनिल को उनकी जालसाजी का पता चला। फिर्यादी अनूप महेशचंद्र नगरिया वय 48 वर्ष राहणार कळंना यांनी काल दिनांक 14/2/2022 रोजी पोलीस स्टेशन तहसील येथे येऊन लेखी रिपोर्ट दिले की त्यांच्या विरुद्ध क्राईम ब्रँचने पोलीस स्टेशन लकडगंज येथे अपराध नंबर 748/21 कलम 420 468 471 IPC नोंद केला होता आणि त्या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी अनूप महेशचंद्र नगरिया यांना क्राईम ब्रँचने अटक केली होती। त्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर जेव्हा फिर्यादी कोर्टातून जामिनावर सुटले तेव्हा फिर्यादी अनूप महेशचंद्र नगरिया यांना त्यांचे मोठे भाऊ अनिल महेशचंद्र नगरिया यांच्याकडून माहीत झाले की ते जेलमध्ये असताना त्यांचे मोठे बंधू अनिल महेशचंद्र नगरिया यांना वासनबार पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत वासनबार येथील मनोज वचानी अशोक वजानी यांनी सांगितले की तुझ्या भावाला आम्ही कोर्टातून जामिनातून सोडून देतो आणि ह्याकरता त्यांच्याकडून 60 लाख खंडणीची मागणी केली। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। CP ने DCP क्राइम को प्रकरण की जांच कर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोपियों के खिलाफ तहसील थाने में फिरौती वसूली का मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।